मैडम समोर बघा जरा प्लीज. मॅम लेफ्ट साइड ला जरा. किरण जी स्ट्रेट. मॅम आते. थैंक यू. एक सिंगल फोटो. मॅडम लेफ्ट साइड ला. मॅडम इकडे समोर. मॅम इकडे मॅम लेफ्ट साइड. कसे आहेत मॅडम? माझ्या आठवणी ठेवा. थँक यू सर. हां हां सर. सर 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 लाइट बंद करना भाई का. ये लाइट बंद कर ले. लाइट बंद कर दो. अरे मेरे ये घर में एक यार से लाइट ना. अरे तुम्ही पुढे राहता तर मामी फेस्टिवल तो बहुत ही बेहतरीन है. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी एट मामी एंड आई लव बीइंग हियर. एंड दिस ईयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव एक्टेड इन टू मूवीज. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. वन ऑफ देम इज हैविंग इट्स प्रीमियर नाउ. मैं तो छोटी सी रोल्स हूँ उसमें. एक एक फिल्म शेम है और एक फिल्म कड़क है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. किस तरह की फिल्म है? तो शेम इज़ डायरेक्टेड बाय अनुषा बोस. इट्स अ शॉर्ट फिल्म. इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. आई डोंट वांट टेल यू गाइज टू मच. यू मस्ट वॉच इट. बट माय रोल इज़ अ सरप्राइज एट द आई वोंट टेल यू बट इट्स नियर द एंड. एंड कड़क इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर एट मामी. इट वॉज गोइंग टू बी बट दैट्स ऑल्सो रियली रियली लवली फिल्म. सो आई होप यू गाइज लाइक देम ऑल. ये तो एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है दिखाने के लिए. एंड आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डिस्ट्रीब्यूशन. आई ऑलवेज कोट माई हस्बैंड हु कोट्स अ फेमस एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेंट कोट दैट content is king, distribution is god. So you might have a great film but to have a good distribution is really important and a platform like mami helps you to get that. Finally, a lot of upcoming have always
एक्चुअली मैं तो काफ़ी बिजी हूँ मेरे दो बच्चे और मेरा शो के साथ और अभी फिल्मों के साथ, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. थैंक यू. थैंक यू. मेरी फिल्म देख लिया मैंने. हाँ, पहले देख लिया. ये तो घर है हमारा, ये परिवार है. मैं कोशिश करती हूँ ये एक हफ्ता कोई भी काम ना लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कल मैं नहीं रह पाई ओपनिंग के लिए. गेटवे में हुआ इस बार, मुझे बहुत बुरा लग रहा था. इंस्टाग्राम में मैं देख रही थी, पर मैं श्रीलंका में बैठी हुई थी. आज सुबह आई मैं और आते ही यहाँ आ गई. तो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई हैव टू शॉर्ट फिल्म्स दिस ईयर, पार्ट ऑफ एक्चुअली लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, एंड वन इज़ कॉल्ड शेम जिसका अभी स्क्रीनिंग हो रहा है, और दूसरी है तू विच इज़ इन कॉम्पिटिशन विच इज़ ऑन 30 or 31st. सो या एंड दिस इज इट्स लिटरली लाइक मीटिंग सो मेनी फ्रेंड्स, यू नो पीपल यू नो, ओल्ड कॉलीग्स, सो इट्स रियली फैबुलस. यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट माइक. दैट्स व्हाई. या सो इट्स लिटरली लाइक किसी, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और तीन चार लोग मतलब जिनको जानती हूँ मैं, जिनसे बहुत सालों से नहीं मिली हूँ. राइट नाउ आई मेट एन ओल्ड टीचर ऑफ माइन, प्रोफेसर फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट. सो या एंड आई मेट जूनियर हु आई हैवंट मेट फॉर लाइक 5-6 years. सो इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल द स्पेस, एंड इट्स लाइक बसलिंग विद सिनेमा लवर्स एंड सो मच एनर्जी, इट्स अमेजिंग. हाँ वैसे बोल सकते. आई जस्ट फील दैट यू नो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक गुड सिनेमा अवेलेबल टू नॉर्मल पीपल, यू नो नॉर्मल पब्लिक, क्योंकि हमेशा हम जैसे हम मैं यू नो फॉर्चुनेटली मैं फिल्म स्कूल गई थी, तो वहाँ पे हम रोज़ के दो फिल्म्स देखते ही थे जो वर्ल्ड सिनेमा होता था, और हर तरीके के फिल्म्स, रीजनल सिनेमा, ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, एंड दैट इज़ रियली इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट स्पेस टू बी इन. बॉम्बे में आके हम बहुत मिस करते क्योंकि हम वही फिल्में देख सकते हैं जो थिएटर में रिलीज़ होती है, नहीं तो वो टॉरेंट पे डाउनलोड करके, नहीं तो अभी नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन पे. तो यू नो यू डोंट, बट फॉर विद अ फिल्म फेस्टिवल लाइक दिस यू कैन एक्चुअली लेजिट वॉच सिक्स, इवन लाइक आई वॉच 5-6 फिल्म्स एवरी डे, you know, and it's like ye actually festival hai because you're celebrating cinema, and Mami has an incredible lineup every year. Inka programming team jo hai headed by Smriti Kiran, bahut matlab bahut unda selection hota hai inka, and you know some of us get to fortunately travel to other film festivals jo bahar jo kaam ho raha hai. दुनिया के अलग अलग छोटे से छोटे देश में इतनी खूबसूरत फिल्में बनती हैं, इतनी अलग अलग एक्सप्रेशन फॉर्म कॉन्टेंट स्टोरीज इतनी अलग अलग होती हैं. बट यू नो पीपल हु लिव इन बॉम्बे फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू यू नो दीज काइंड ऑफ फिल्म्स. सो फेस्टिवल लाइक मामी विच इज़ एक्चुअली ओपन एंड मेक्स इट एक्चुअली वेरी इजी फॉर जनरल पब्लिक टू वॉच गुड फिल्म्स, आई थिंक दैट इज़ इनक्रेडिबल. उतना नहीं ईजी है, इतना ईजी नहीं है. और फेमस आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी थिंग टू डू विथ फेम, एक्चुअली इट हैज़ नथिंग टू विथ फेम, एंड इट शुड नॉट बी अबाउट फेम. यू शुड जस्ट बी मेकिंग वॉट यू वॉन्ट टू मेक, एंड फिल्में बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है फिल्में बनाना, और बहुत लोग बना लेते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, रिलीज़ करने को नहीं मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है इन प्लेसेस लाइक दिस, इन फेस्टिवल्स लाइक दिस, जो वन विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल फेस्टिवल, बहुत लोग आते हैं, सब लोग आते हैं देखने के लिए. सो यू नो दिस एक्चुअली ओपन्स अप डोर्स फॉर न्यूअर पीपल, न्यूअर डिस्ट्रीब्यूशन एवेन्यू, सो दैट रियली इज़ हेल्पफुल. बट फेम तो इतना आसान नहीं है, और फेम की तरफ फेम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अगर होना होगा हो जाएगा, वो तो काम करते रहो प्लीज़. पूरी तरह से सपोर्ट करते, ये तो बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था, एंड आई फील यू नो फॉर जेनरेशन्स आवर मदर्स आवर ग्रैंड मदर्स दिव ऑल फेस्ड इट, इट्स बीन हैपनिंग, इट्स एक्चुअली ट्रॉमेटिक टू नो दैट दिस वॉज हैपनिंग टू दिस एक्सटेंट
all around us, people we know, people we are friends with or acquaintances all around us, and nobody actually spoke about it. And it took one, you know, it's almost like a domino effect. Like, it took one breeze, and I'm honestly so grateful to Tanushree to just start the dialogue. And you know, it's like ek ne bola to aur sab pura collapse ho gaya. Collapse. And not only industry, it's everywhere. The corporate sector is terrible, the medical sector is terrible. Everywhere, you know, minister baith ke abhi, I mean, what are you talking about? Every people, and it's not only, I have to say this, it's not only men, it's also women. People, and it's mostly men, because mostly it is the patriarchal setup of status quo, but I actually think that it is anybody who is in a position of power, who is in the right side of status quo, is trying to exploit people who are not. And I feel it should have stopped long back, but it really is time's up. It cannot be taken anymore, and there will be collateral damage. And I know that Mami has cancelled out a few films that had any, you know, sort of connection with people who are associated or have been, people who are offenders. And, you know, a lot of people are upset about it, and I've read stuff, and, you know, we are also talking about it. But I honestly feel that we have to take it on ourselves. There will be damage, there will be collateral damage, but you know what? It is for a safer future. It is for the basic dignity that man, woman, a child deserve as basic human beings. It's a fundamental right. So, you know, just give people the dignity they deserve. मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ. भगवान ने सच में बहुत बहुत रक्षा किया. और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, आई कम फ्रॉम अ एकेडमिक बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में कोई मतलब हैज़ नथिंग टू डू विथ फिल्म. सो ऑब्वियसली माई मदर वॉज वेरी वेरी पेट्रीफाइड. बहुत ही दुखी थी वो एक्चुअली कि मैं फिल्म स्कूल गई. बट आई एक्चुअली वेंट टू अ फिल्म स्कूल. सो व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई ऑलरेडी हैड अ कुशन ऑफ training. I already knew people in Bombay, you know, I already knew seniors who were like, I met Naseer right now, who's been my teacher, who's been a senior. So any doubt, just go, and these people have their doors open to you. Any doubt, any confusion, they are happy to help you. But having said that, I haven't, you know, and I think I'm incredibly lucky, and I'm part of that very tiny margin of women who have not been violated. I also am somebody who doesn't take it. So if I think your gaze is wrong, I will say it. And it has happened with a director in question very early, actually, before actually Margarita even released, that he had just put his hand around my shoulder and I had told him off in the first meeting, because I don't take that. You know, I'm brought up like that. I was brought up by extremely independent women, by a single mother who took care of herself, and I saw her carrying herself with that much, you know, वो खुद को जो एक होता है ना वो बहुत ज़रूरी है. एंड अनफॉर्चुनेटली एवरी वन इज लाइक ट्राइंग टू जस्ट गेट एट यू, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज कम टू द सिटी ऑफन वेरी डेस्परेट फॉर वर्क. जब बोल रहे थे ना वो फेमस हो जाएंगे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. क्यों फेमस होना है, कैसे फेमस होते, काम करो ना, काम पर ध्यान दो, मेहनत करो, जो सही तरीका है काम करने का वो करो. सॉरी. और मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक फिल्म दे देगा क्योंकि आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, या यू नो यू विल गो इनटू अ रूम विद दैट पर्सन, इट इज़ एक्चुअली यू आर डिमीनिंग योरसेल्फ एंड योर टैलेंट, एंड यू शुडंट. एंड आई फील एंग्री एट बॉयज़ एंड गर्ल्स हु थिंक इट्स सो ईजी टू गेट इट. इट्स नॉट ईजी, एंड यू शुड नॉट पुट yourself in that place, because that also has a larger implication when people start expecting it out of people who are not okay to give it, you know. So it's not only about you, you are representing the entire community. And I think it's time that women should be, you know, standing by each other. And it's all about sisterhood, it's all about, and you know, honestly, like, I think feminism is a very, very violated term in itself, because everyone has
very different things of about feminism and ideas, but actually feminism is all about protecting the weaker. Be it about a woman, man, a Dalit, a marginalized, a Muslim, it doesn't matter. It's actually about protecting somebody who's weaker than you. That's why whatever has started, I'm just so happy and glad. Oh, jab section 377 gaya, to usse uske baad se sab aur ye hua to acha hi ho raha hai. Haan. Par kuch plan nahi yaar. कुछ प्लान नहीं है घर जाऊंगी शायद एक साल हो गया घर जाए हुए तो मैं या आई विल गो सी माय मदर फॉर दिवाली अ वेरी हैप्पी दिवाली प्लीज 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 डू नॉट बर्न फायर क्रैकर्स इट इज आई मीन इट्स रियली पॉइजनस द एयर वी आर ब्रीदिंग इन एंड वी हैव गॉन फार बियॉन्ड द सेफ एयर लेवल्स एंड इट्स एक्चुअली very lethal so please I mean firecrackers can't be more important than the oxygen you breathe so please don't burn firecrackers burn diyas and yeah have a safe Diwali and have a sound free and cracker free Diwali thank you I have wow I don't know what I can talk about I have two films but releasing next year I have a very exciting new show on Amazon called Four More Shots Please which is about four women four women going crazy having a lot of fun that's out in Jan Inside Edge ki shooting ho rahi hai abhi second season ki I've just finished a British series last night I came in today so yeah so it's been good thank you Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.